नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा। आज मैं आपके लिए अचार लेकर आई हूँ। खाने के टेबल पर यदि अचार नहीं होता है तो खाने का स्वाद थोड़ा अधूरा और फीका फीका लगता है। तो मैं आज आपको अचार बताऊंगी। अचार आपने नींबू का, आम का, बहुत सारे चीजों का खाया होगा। मैं आज आपको, शायद हमारे लिए तो नया है, शायद आपके लिए भी हो, मैं आज आपको छोटे छोटे आलू के अचार बताऊंगी और हरी मिर्ची के साथ में। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची विद आलू और राई का अचार। इसमें बहुत ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत थोड़े से कम भी चीजों में इसको बनाया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। इसके लिए हमने, देखिए, ये करीब 100 ग्राम हरी मिर्ची, इसको धो के हमने अच्छे से सुखा लिया, इसका पानी हटा दिया। इसको हम बीच से फाड़ लेंगे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और ये हमने आलू लिया है, ये 250 ग्राम हमारा आलू है, इसको हमने उबाल के और छोटे पीसों में काट लिया है। ये छोटे छोटे आलू हमने लिए थे, इसे बेबी पोटैटो भी कहते हैं। तो ये हमारे आलू और हरी मिर्ची होगी। और इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची का टेस्ट डालेंगे। तो ये हमें चली 4-5 हरी मिर्ची है, ये 2 बड़े चम्मच हल्दी है, हल्दी पाउडर, और हमारा ये करीब 10-15 पीस गार्लिक है। नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें कलर के लिए हम ये कश्मीरी मिर्च डालेंगे और थोड़े से हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, ना हो तो आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसे राई के तेल से बनाएंगे, यानी सरसों का तेल से। ये हमारा 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। और इसमें हम राई का पेस्ट डालेंगे। तो ये हमारी सरसों के दाने हैं, देख सकते हैं। आप चाहे तो राई भी यूज सकते हैं या पीली सरसों यूज कर सकते हैं, हमने काली सरसों ली है। और ये 3 बड़े चम्मच है। तो इसे हम अभी सारा मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और इसे हम बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम चुटकी भर हींग, ये हम थोड़े से हींग का भी प्रयोग करेंगे। ये सारी चीजों को मिला के हम अचार बनाएंगे। देखिए, हमने ये मिर्ची को बीच से अच्छे से काट लिया है। आप ऐसे ध्यान से, हमने सरसों का तेल थोड़ा सा हाथों में लगा के इसको काटा है, फिर हाथ को अच्छे से पोंछ लिया है। नहीं तो ये गलती से भी अगर आंख में लगेगा तो बहुत दिक्कत देगा। अब हम इसे सारे मसालों को पीस लेंगे। तो सबसे पहले ये राई है, इसको हमने पहले से अच्छे से सफाई से देख लिया, इसमें कोई कंकड़ और गंदगी नहीं है। इसको हम डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे ये अपना लहसुन और ये डालेंगे हल्दी। तो पहले हम मिर्ची के लिए तैयार करेंगे मसाला। तो इसमें ये वाली मिर्च हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये तीखी है, तो बहुत ज्यादा तीखा हमें नहीं बनाना है। इसके बाद हम निकाल के फिर ये ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए, ये करीब 2 बड़े चम्मच हमने पानी डाले हैं। इसको पानी डाल के हम पीस लेंगे। देखिए, ये हमने पेस्ट बना लिया है। हमने 2 चम्मच पानी डाला था, ये बीच में सूख गया था, फिर हमने 2 चम्मच पानी और ऐड किया था। ये इस तरह है। इसको हम आधा 2 भागों में बांट लेंगे क्योंकि हमें 2 चीज का अचार बनाना है, राई का, मिर्ची का और आलू का। तो हमें अलग अलग करना है क्योंकि उसमें मिर्ची में हमें नहीं डालना। अब हम इसको मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मिर्ची वाला पेस्ट तैयार, इसको हम इसी में रहने देते हैं। आइए, इधर हमारा पैन गर्म हो रहा है, जिसमें हम तेल डाल देते हैं। 2 बड़े चम्मच हमारे ये तेल है, इसी में हमने अपना हींग डालना है। ये जो हमारी मिर्ची है, इसको हम पहले थोड़ा सा भून लेंगे। ध्यान रखें, ये मिर्ची के जो बीज है वो आंखों पे आते हैं, तो हमें अपना बचाव करते हुए इसे भूनना है। करीब 1-2 मिनट हमने मिर्ची को ऐसे सौते किया है। अब इसमें थोड़ा सा करके ये हमारा जो राई का पेस्ट था उसको हमने डाल देना है। ये हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम आलू में डालने के लिए बचा लेंगे। और ऊपर से हमने कलर के लिए थोड़े से लाल मिर्च डाले हैं। इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। और इसी के साथ हमें ये नमक डाल लेना है। नमक से क्या होगा, ये अच्छे से पक जाएगा। अब इसे हम करीब ढक के 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जब तक हमारे मसाले अच्छे से पक ना जाए, इसे हम ढक के पका लेते हैं। आँच हम धीमी रखेंगे, ये उसे ढक देते हैं। देखिए, करीब 3-4 मिनट बाद हमारे मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं, तेल एकदम अलग हो गया है, यानी कि हमारा अचार एकदम तैयार है। अब हम इसको उतारने से पहले इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। जी, आप इसमें खटास लाने के लिए नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, बट नींबू हम जब भी डालते हैं तो उसको ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मिर्ची के अचार हमारे तैयार है, हमने बाउल में निकाल लिए हैं। हमारा पैन गरम है,
इसमें हम ऑयल डालेंगे। 2 चम्मच ऑयल हमने मिर्ची के अचार में डाली और 2 चम्मच इसमें डाला। इसमें हम डाल देंगे अपना हींग। ये हमारी हींग हो गई है। अब इसमें हम अपना ये आलू डालेंगे। थोड़ा सा आलू हम इसको सौते करेंगे, भूनेंगे, फिर ये मसाले डालेंगे राई वाले। देखिए करीब 2 मिनट बाद हमारे आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम ये अपना जो राई वाला मसाला था विद मिर्ची, इसमें हमने मिर्ची का पेस्ट भी यूज़ किया है, ये सारे मसाले हम डाल देंगे। थोड़ा सा ये मिक्सी जो हमारा है ये भी धो के हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी लाल मिर्ची है ये भी हम डाल देंगे। ये इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इधर ये मसाला पक रहा है तब तक हम ये मिक्सी वाला पानी भी इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें अब हम नमक डाल देते हैं। करीब 2-3 मिनट बाद हम नमक डालेंगे, पूरा ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे और करीब ढक के 2 मिनट तक हम पका लेंगे, जिससे मसाले अच्छे से आलू में हमारे अंदर आ जाएं। ये हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, तेल एकदम से दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर थोड़ा सा, इसको डाल के हम अच्छे से मिला देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तैयार है, अब इसे एक हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। रेडी, हम निकालते हैं। ये हमारे आलू और मिर्ची दोनों के हमने अलग अलग तैयार किए हैं अचार। ये राई का अचार है, इसमें ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप इसे 4-5 दिनों के लिए बना सकते हैं और फ्रिज में रख के खा सकते हैं। यदि इसे ज़्यादा दिनों के लिए आपको खाना है तो आप इसमें विनेगर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों ये टेस्ट थोड़ा कम अच्छा हो जाता है इसलिए। और मिर्ची का जब भी हम लेंगे तो मिर्ची को देख लेंगे, ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं होगी, नहीं तो अचार खाने का मज़ा बेकार हो जाएगा। तो आप इसे घर में एक बार बनाएं और खाएं, इंजॉय करें।